द सेकेंड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये डायग्राम मैंने आपकी बुक से ही ली है। एक सेंडर है और एक रिसीवर है। जो बात स्टार्ट करेगा वो सेंडर और जिसके लिए बात की गई है वो रिसीवर होगा। सेंडर मैसेज टाइप करेगा या बोलेगा, उसको प्रॉपरली इनकोड करेगा, चैनल के थ्रू उसको सेंड करेगा। दरमियान में नॉइज भी आएगी और थ्रू दिस चैनल मैसेज रिसीवर तक पहुंचेगा। रिसीवर उसको डीकोड करेगा और देन सेंडर विल रिसीव अ फीडबैक। वन बाय वन इन कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। ये काफी इजी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देर आर एट की कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस विच आर द सेंडर, इनकोडिंग द मैसेज, द चैनल, डीकोडिंग द रिसीवर, नॉइज एंड फीडबैक। द सेंडर इज अ पर्सन हु इनिशिएट्स कम्युनिकेशन। जो भी बात स्टार्ट करता है उसको सेंडर कहते हैं। देन इनकोडिंग और मैसेज, इसको भी साथ में देख लेते हैं। मैसेज तो हो गया कि जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो मैसेज है, बेशक मैं वर्बली करना चाह रहा हूं या जेस्चर्स के थ्रू करना चाह रहा हूं। व्हेन वी स्पीक द स्पीच इज द मैसेज, व्हेन वी पास जेस्चर्स देन द मूवमेंट ऑफ आर आर्म्स एंड एक्सप्रेशंस आर मैसेज। ये जो स्पीच है ये वर्बल कम्युनिकेशन है और ये जो जेस्चर्स हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। पॉसिबली हम ये आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब मैंने ये जो मैसेज सेंड करना है रिसीवर तक, उसको मैंने इनकोड करना है, उसको प्रॉपरली इनकोड करना है मैंने। अगर मैं ईमेल कर रहा हूं तो उसको मुझे इस तरह से टाइप करना है कि रिसीवर को समझ आ जाए। अगर मैं कोई बात, अगर मैं वर्बली, अगर मैं बोल के बात कर रहा हूं तो थ्रू वर्ड्स, तो मुझे इस तरह से बात करनी चाहिए कि जो रिसीवर है उस तक मेरी बात पहुंचे और वो मेरी बात को सही तरीके से समझ सके, ताकि जो पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन है वो फुलफिल हो जाए। फॉर एग्जांपल, मैं ऑफिस में अपने अपने टेबल पे बैठा हूँ या अपने ऑफिस में हूँ और मेरा कलीग पास से गुजर रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके आसपास दो चार लोग और भी हैं, तो मैं अपने दोस्त से कहता हूँ यार बात सुन। अब वो, मैंने तो अपने दोस्त को बुलाया था लेकिन मेरे तरफ तीन लोगों ने देखा, इसका मतलब है कि मैंने अपना मैसेज प्रॉपरली इनकोड नहीं किया। मुझे बाय नेम बताना चाहिए था, ही कैन बी एनीवन, ही कैन बी नुमान, ही कैन बी अरसलान, एनीवन, ठीक है, जो भी नाम है उसका, मैं उसका नाम लूं और उसको बुलाऊं कि यार मेरी बात सुनो, ताकि जो जो कम्युनिकेशन का पर्पस है, मैं सेंडर था, मेरा एक मैसेज था जिसको मैं प्रॉपरली इनकोड नहीं कर सका, जिसकी वजह से डी कोड ठीक तरह से नहीं हुआ। क्योंकि इनकोड ठीक नहीं हुआ इसलिए रिसीवर ने जज ही नहीं किया कि रिसीवर कौन है। सब ने अपने आप को रिसीवर कंसीडर किया और सब ने उसको डीकोड अपनी तरह से करने की कोशिश की। देन द चैनल, चैनल इज अ मीडियम थ्रू विच कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। इट कैन बी द ईमेल्स, मतलब अगर हम फॉर्मल चैनल्स को देखें तो ये ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, प्रॉपर चैनल्स बने हुए हैं कि कम्युनिकेशन इस चैनल के थ्रू होगी। ईमेल्स भी हो सकती हैं, और अगर कोई बात करनी है तो जो जूनियर एम्प्लॉई है वो डायरेक्टली अपने जीएम तक बात नहीं कर सकता, उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू आना पड़ेगा, मैनेजर आएगा, देन सीनियर होता होता वो, तब वो एंड पे जाएगा, ओनर तक पहुंचेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकता, तो फॉर्मल चैनल्स हो गए। हम वेव्स को भी चैनल कह सकते हैं, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं किस मीडियम के थ्रू बात कर रहा हूँ, अगर मैं फोन पर बात कर रहा हूँ तो फोन इज अ मीडियम। ईमेल्स भी हैं। इनफॉर्मल चैनल्स कैन बी व्हेन टू पर्सन केम अक्रॉस एंड स्टार्ट कम्युनिकेटिंग रैंडमली थ्रू वेव्स, मतलब दो लोग आपस में मिले कहीं पे भी और उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी। देन डीकोडिंग, मतलब चैनल सिर्फ वही है, चैनल आपको एटीसीएस भी हो सकता है, अगर आपने कोई चीज, कोई ईमेल, अगर आपने कोई पैकेज भेजा है किसी को, या अगर आपने कोई लेटर हेड किसी को भेजा है, अगर आपने किसी को कोई लेटर, जैसे पहले लोग खत डालते थे, अभी भी लेटर्स हैं यूज होते हैं, कोई रिपोर्ट है कुछ भी, तो उसमें टीसीएस भी आपका, या आपकी कोरियर सर्विस, दैट कैन बी अ चैनल। डीकोडिंग, रिसीवर डीकोड करता है,
रिसीवर जिस तक मैसेज पहुंचा, इस बात को वैसे मैंने पहले भी क्लियर कर दी है, अब रिसीवर तक बात पहुंची। अब अगर तो मैंने अरसलान को, मैंने लेट से अरसलान को मैंने कहा, मैं कहा अरसलान मेरी बात सुनना, तो अरसलान तक मेरा मैसेज पहुंचा, मतलब मैंने अपनी बात को सही इनकोड किया और अरसलान ने ही उसको डीकोड किया कि मुझे ही बुलाया जा रहा है और मैंने ही, मतलब मैंने ही जाना है। उसको मेरी प्रॉपरली बात समझ भी आ गई। देन नॉइस है, हम कोई दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो दरमियान में शोर हो सकता है। अगर आप ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप, तो ये सब कुछ उसमें नॉइस में आएगा। एनीथिंग दैट कॉज डिस्ट्रैक्शन विच बिकम्स अ बैरियर, या कोई भी डिस्टॉर्ट करने की कोई चीज करता है या हर्डल क्रिएट करता है इन कम्युनिकेशन इज नॉइस। इवन अगर आप टीसीएस को देख लें, अगर कोरियर लेट हो जाता है, ठीक है, आपकी रिसीट आपके पास से गुम गई है और वो कोरियर नहीं पहुंच पा रहा, तो वो भी नॉइज में कंसीडर होगा। देन फीडबैक, अगर आपका मैसेज आपने सही तरह से इनकोड कर दिया और रिसीवर ने उसको प्रॉपरली डीकोड कर दिया, तो उसका फीडबैक ये है कि आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो गई है, मतलब आपने जो बात करना चाहिए थी वो कंप्लीट हो गई है। इट इज टू से वेदर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज फुलफिल्ड और नॉट। डू द सेंडर हैज इनकोड एंड रिसीवर हैज डीकोडेड द मैसेज राइटली और नॉट। दिस वॉज द कम्युनिकेशन प्रोसेस।